हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ड्रामा सीरियल तुम मेरे क्या हो। सो लेट्स स्टार्ट। ड्रामा सीरियल तुम मेरे क्या हो के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर हादिया जो है वो अपने अबू से दूर हो चुकी है, लेकिन रह पाएगी क्योंकि इसके बाप ने भी इसके साथ वादा कर लिया है कि जब तक वो इसके मामला ठीक नहीं कर देगा ना, इसे सुकून नहीं आएगा। हादिया बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से दुहेब ने इसे बहुत ही बुरे तरीके से घर से बाहर निकाल दिया है, और ये सब कुछ सारा की वजह से हुआ है। सारा ने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही बुरे तरीके से फंसने वाली है। वो तो फिलहाल से ही रिकवर्ड व्रत लगाकर बैठी है कि वो बहुत ही जल्द जुहेब से शादी कर लेगी, लेकिन इसका ख्वाब अधूरा ही रहेगा जब जुहेब को पता चलेगा कि हादिया बेकसूर थी और सारा जो कुछ भी कर रही थी हादिया के खिलाफ कर रही थी, तो हो सकता है कि वो किसी भी सूरत में हादिया को अपना ले और सारा को माफ नहीं करेगा किसी सूरत भी। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि उमैर जो कि यही सोच रहा है कि इसे जल्द बजल अब उमैर को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि इसने जो कुछ भी हादिया के साथ किया है बहुत ही गलत किया है, इसकी वजह से इसका घर बर्बाद हो गया है। इसी ये जाकर वो अब जुहेब को बता देगा कि जो कुछ भी हादिया के बारे में सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। हादिया को एक मौका इसे जरूर देना चाहिए अपने सफाई में कुछ कहने के लिए, और अभी तक हादिया बेकसूर है इसके बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जिसके बाद जुहेब जो है वो इस बात का एहसास हो जाएगा कि हादिया बेकसूर है और इस पर लगाए गए इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इसीलिए वो सारा को तो बिल्कुल ही माफ नहीं करेगा, लेकिन हादिया को अपने जिंदगी में वापस ले आएगा। इसके साथ साथ जुहेब और हादिया एक साथ हो जाएंगे। हो सकता है कि दूसरी तरफ अब सारा और महर की शादी हो जाए। तो दोस्तों, ये सारा कुछ आप लोग आने वाले एपिसोड में देखेंगे। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन चाहता है जुहेब और हादिया फिर से एक हो जाएं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।